झारखंड के सभी साथियों को जोहार दोस्तों। दोस्तों अभी 60-40 का नीति को लेकर झारखंड में माहौल बहुत ही गर्म है। सभी पार्टी के लोग अलग अलग टाइप के प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, झारखंडियों का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को यह मंजूर नहीं कि 60-40 का नीति लागू हो। तो हमारा लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, माटी से। जो लोगों का हक अधिकार का बात करे, जो युवा का रोजगार का बात करे, जो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बात करे और लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद जाए, हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो इसी तरह सिंदरी विधानसभा के अंदर हर्ल कंपनी चलाया जा रहा है, उसमें अभी बाहरी मजदूर को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और बाहर से मजदूर लाया जा रहा है। इसके खिलाफ यहाँ के लोकल लोग आवाज उठाते ही, और साथ ही अब बीजेपी के लोग भी आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी अब गेट जाम किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, कंपनी का काम को रोका जाएगा, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी का काम में बाधा दिया जाए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि मर्डर करो, रेप करो। हर धर्म का एक ही कहना है कि लोगों का भला करना। ये तो लोगों का हीन भावना के कारण धर्म को आपस में बांटा गया है और लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे लड़ाया जाता है। किसी भी पार्टी से आप हो, अगर आपका विचारधारा सही है, आपका मनसा सही है, आप गरीब दुखी का हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़िएगा, आप युवाओं को रोजगार देने के लिए लड़ाई लड़िएगा, तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्य पशुपति महतो, उनका बात सुनेंगे कि वे सिंदरी के लोगों के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के सभी साथियों को जोहार दोस्तों। अभी हम जिन शख्स के साथ बैठे हुए हैं वो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी जिला कमेटी के सदस्य पशुपति महतो जी। तो पशुपति महतो जी अपना बात रखना चाहते हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का रोजगार को लेकर और हर्ल गेट को जाम करने का विषय में बात करेंगे, क्योंकि हर्ल जो है ज्यादातर बाहरी लोगों को रोजगार में रख रहे हैं और यहाँ के युवा दर दर भटक रहे हैं। तो इस पशुपतिनाथ जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिरसा न्यूज में हमारा तरफ से भी चैनल का बिरसा न्यूज का स्वागत है और हम कहना चाहते हैं कि 2019 में जब मोदी जी आए थे हवाई पट्टी में, सिंदरी हवाई पट्टी में, तो सबका आशा था कि कुछ हम लोग को रोजगार मिलेगा। बहुत खुशी का बात था, बहुत आनंद लोग हो रहे थे कि कारखाना खुलेगा तो यहाँ का लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो कारखाना खुला भी, खुला भी, लेकिन जैसा हम लोग सोचे तो ऐसा रोजगार नहीं मिला। अगल बगल गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिला। जैसे कि एक छतरगढ़ पंचायत के बगल में कुसपेड़िया गाँव, निमाय मल्लिक तमिलनाडु गया था, वहाँ उनका हत्या कर दिया गया। तो दोस्तों हाल फिलहाल का ही घटना है तमिलनाडु में, जो झारखंड बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा था और भगाया जा रहा था। तो अगर यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिलेगा तो वे लोग बाहर क्यों जाएंगे, और अगर बाहर नहीं जाएंगे तो इस तरह का घटना नहीं मिलेगा यहाँ के लोगों को। तो यही पशुपतिनाथ जी कहना चाहते हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के युवाओं का रोजगार को लेकर? यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। हल कंपनी नहीं सुन रहा है, कुछ बड़ा बड़ा अधिकारी जो है अपने रिश्तेदार को ला के नियोजन दे रहा है। सांसद विधायक दोनों बीजेपी का है, आपका कार्यकर्ता भी बीजेपी का है, तो फिर आप लोग कहाँ पर पीछे हो जा रहे हैं? हम लोग सांसद जी से बात हुआ आज और सांसद जी साथ देंगे और हम लोग इसको सांसद जी पहल करेंगे। हम लोग जैसा भी हो, जितना आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे होगा हम लोग गांव के, क्योंकि लोगों को बीजेपी से उम्मीद है। यहाँ पर आपका बीजेपी का ही दबदबा है, आप देख सकते हैं, विधायक का क्षेत्र में हो या सांसद का क्षेत्र में हो, तो लोगों को उम्मीद है और भारी मतों से यहाँ विधायक और सांसद दोनों जीते हैं। तो आप सबका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि यहाँ के युवा दर दर ना भटके, क्योंकि यहाँ पार्टी के नाम पे बरगला दिया जाता है। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का आंदोलन होगा, इसमें सांसद विधायक अगल बगल विधायक भी साथ देंगे और गांव के लोग को हम कहना चाहते हैं कि जो यहां स्थानीय है, मूलवासी है, उसको 90% 4 क्लास 3 क्लास में बहाल किया जाए और यहां हल के जो पदाधिकारी है वो अपने रिश्तेदार को भी लाके नियोजन दे रहा है। उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई 75% जो बोला तो उसमें भी कोई नियोजनालय का एक्शन रजिस्ट्रेशन का भी जरूरत नहीं, ऐसे डायरेक्ट उन लोग को रख रहा है। हम लोग के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे वो चाहिए,
कोई डेट तय हुआ है जाम करने का या हड़ताल करने का, आंदोलन करने का? हम लोग एक दो दिन में तय कर लेंगे और सुनरी में आंदोलन किया जाएगा। जी, पशुपतिनाथ जी का कहना यही है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई आप ज्यादा खतियान, कागज पत्तर, जाति, आवासीय कुछ नहीं देखा जा रहा है। उन लोगों को ठेकेदार अपना हिसाब से ला रहे हैं बाहर से, अपना मजदूरी दे रहे हैं, क्वार्टर दे रहे रहने के लिए, सारा चीज उन लोगों को व्यवस्था किया जा रहा है। जो जब यहाँ का लोकल लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं तो उनको अलग अलग कानून बताया जा रहा है, यही आपका कहना है? और यहाँ के लोगों को कंपनी का अगल बगल भटकने भी नहीं दिया जा रहा है, और आजकल अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ है 60-40 नियोजन नीति को लेकर, उसको आप क्या कहना चाहिए? वो 60-40 का अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग यहाँ स्थानीय लोगों सिनेरी के अगल बगल में जो गांव है इसको 90% फोर क्लास सिली क्लास। रांची में रघुवर दास जी धरना भी दिए, पत्थरबाजी भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, ये घटना आपको पता है, तो इस पे आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं झारखंड के युवाओं को, झारखंड के लोगों को? क्योंकि झारखंड के लोगों को सब दिन सताया जाता है, लूटा जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जो रघुवर जी पहल किए हैं उस पर पार्टी का प्रोग्राम था वो तो होगा ही, जो हेमंत सोरेन का सरकार है उसने गलत काम करते उसका विरोध में हम लोग भाजपा वाला किया था, उसमें लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, अपना अधिकार के लिए बोल रहे थे सब भाजपा वाले। देखिए, पशुपति जी का कहना है कि लोग युवा हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वहां पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन होना चाहिए, लोगों का बात को सुनना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या होता है, कहीं भी आंदोलन हो रहा है, अभी आप खतियानी पार्टी देख लीजिए, युवा लोग जिस तरह अभी जयराम महतो के पीछे जा रहे हैं या अमित महतो के पीछे जा रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं, सबका एक ही कहना है कि झारखंड में युवाओं को रोजगार देना और लोगों का विकास करना, गरीब दुखी को उसका अधिकार दिलाना। तो पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर किसी से भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों का हक अधिकार मिल रहा है, तो हमें वही चाहिए। और लोग अपने अनुभव से बोलते हैं, ये बीजेपी से है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, किसी भी पार्टी से हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएसयू हो, क्योंकि हमको पार्टी से नफरत नहीं, सभी पार्टी के लोगों का एक ही मकसद होता है कि लोगों को रोजगार दिलाना, उसका हक अधिकार दिलाना। लोग ईमानदार और बेईमान होते हैं, पार्टी सब ईमानदार है, स्कूल सब एक होता है, सबका काम है शिक्षा देना, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं वो करप्शन करते हैं। और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं पशुपतिनाथ जी? शिक्षा के बारे में थोड़ा हल कंपनी को ध्यान देना चाहिए, जो एफसीआई चल रहा था, स्कूल सब चल रहा था, वो चालू किया जाए, और ये जो हॉस्पिटल था उसको भी चालू किया जाए, यहाँ के लोगों को बाहर जाने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा यहीं पर। ये एक टाइम ऐसा था जब सिंदरी को सुंदरी कहा जाता था, और यहाँ पर हॉस्पिटल भी था जहाँ आपका साउथ इंडिया से नर्स भी रहती थी और बड़े बड़े डॉक्टर भी आते थे, लेकिन पहले एफसीआई बंद होने के बाद बहुत सारा चीज बंद हो गया। तो इनका कहना यही है कि जल्द से जल्द शुरू हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज में फंड दिया जाता है। तो बीजेपी से उम्मीद किया जा सकता है कि सिंदरी के युवाओं को रोजगार मिल सकता है, उनका हक अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी यहाँ खड़ा रहेगा? अब भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ मिल करके हम लोग रोजगार देंगे, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, जैसे भी आंदोलन करना पड़ेगा करने के लिए तैयार है, हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ के लोगों को 90% फोर क्लास थ्री क्लास को नियोजन दिलाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। और करप्शन को लेके बात होता है थाना में, ब्लॉक में, कि गरीब दुखी का बातों को नहीं सुना जाता, अधिकार को मारा जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सरकार अभी कुछ नहीं सुन रहा है, देखिए इसको बालू ब्लॉक में, देखिए हेमंत सरकार का बात नहीं है, आप लोग आपका ब्लॉक है बलियापुर क्षेत्र में है या कहीं भी सिंधी विधानसभा में है, तो वो आप लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा, लोगों का बात सुनना होगा, सीओ वीडियो से बात करना होगा, थाना वाला से बात करना होगा, इस पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्योंकि लोग नहीं जाते, देखते हैं युवा भी भटकते हैं, जाति आवासीय आय बनाने के लिए भटकते हैं, किसी का आपका सूखा का पैसा नहीं मिल रहा है, तो किसान का जो कृषि करते हैं उसका पैसा नहीं मिल रहा है, इस सब पे क्या करना चाहिए? उस पर ये लोग सीओ वीडियो लोग से हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग हर कंपनी में लगे हुए, इसके बाद हम लोग उधर लेंगे। हम लोग का अभी एक ही मुद्दा है कि सिंदरी में गांव वाला को, अगल बगल गांव को, मूलवासी को अधिक से अधिक फोर क्लास थ्री क्लास में कैसे नियोजन मिले, इसको पहले हम लोग को करना है।
दोस्तों पशुपतिनाथ जी जो है उनका अभी एक ही टारगेट है और इनके माध्यम से यहाँ जो बीजेपी के जो इतने भी कार्यकर्ता है सबका एक ही टारगेट है कि रोजगार का अगर कोई अभी अवसर है तो वो हर्ल कंपनी है और उसी के बगल में एसीसी कंपनी वो, तो यहाँ अगर जाम करते हैं वार्ता करते हैं तो शायद युवाओं को रोजगार मिल सके। तो सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आंदोलन में शरीक होइए। किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं तो आप लोग उस पर भागीदारी दीजिए। अगर रोजगार मिलता है, हक अधिकार मिलता है तो हमें वही चाहिए। कौन पार्टी है, क्या है, ये नहीं देखना है। माटी पुत्र है, अगर माटी का बात करता है, यहाँ का युवाओं का बात करता है, रोजगार का बात करता है तो हमें वही चाहिए। और पशुपतिनाथ जी आप कुछ कहना चाहिएगा? हम लोग का मेन मुद्दा एक ही है कि माटी का लड़ाई है, पार्टी का नहीं है। हम माटी का लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ का 90% फोर क्लास थ्री क्लास में यहाँ का मूलवासी को रखा जाए, बाकी हाई लेवल में जो कीजिए कीजिए, लेकिन फोर क्लास थ्री क्लास में यहाँ का आदमी काम करने के लिए तैयार है और करेगा, ऐसा योग्यता भी है। और कुछ लोग काम कर रहे थे उसको बैठा दिया गया, नया नया आदमी ला रहा है बाहर से, वो उसको भी नियोजन दिया जाए, जिसको बैठा दिया गया जो कि 3 साल काम किया है उसके बाद बैठा दिया है। जी, तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे दोस्तों, और बहुत जल्द एक दो दिन में डेट तय होगा, खास करके सिंधी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर डेट तय होता है आप तक खबर पहुंचता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो आप लोग अपना भागीदारी दीजिए और लड़ाई लड़िए तो आपको हक अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। किसी भी पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाए और यहाँ का अगर युवाओं को बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा तो आप लोग शरीक होइए। और पशुपतिनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि यहाँ का आप माटी का बेटा बेटी के बारे में सोच रहे हैं और आप कंपनी में लोगों को लगाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा होता है आगे अपडेट दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।